तो गाइस एडिटिंग तो हम बाद में करेंगे, पहले तो आप ये वाला वीडियो देख लो। तो गाइस आज मैं आप लोगों को इस तरह का न्यू ट्रेंडिंग हेलीकॉप्टर नेम वाला वीडियो बनाकर बताने वाला हूँ। अगर अभी के टाइम पे आप कुछ इस टाइप का वीडियो बनाकर अपलोड करोगे तो भाई आपके वीडियोस पर अच्छा खासा लाइक एंड व्यू आ सकता है। अगर गाइस आप भी अपने नेम या फिर किसी के भी नेम के साथ में इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को सब कुछ स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ कैसे आप लोगों को इस तरह का वीडियो एडिट करना है। तो देखो सबसे पहला काम करना है आपको अपना नेम क्रिएट करना है। अब देखो नेम को क्रिएट करना बहुत ही आसान है, उसके लिए आपको अपना पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे न्यू टेक्स्ट आएगा तो आप उसे डिलीट कर देना। नेक्स्ट आपको नीचे फोर्थ नंबर पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे अब आपको जाना है कलर वाले सेक्शन में। अब देखो आप अपने नेम के बैकग्राउंड में कौन सा वाला कलर लगाना चाहते हो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिसाइड कर लेना, जैसे कि रेड कलर, येलो कलर या फिर वाइट कलर, ब्लैक कलर, जो भी कलर आप लगाना चाहते हो ना वो वाला कलर आप लोगों को यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। अब देखो मैंने यहाँ पर रेड कलर कर लिया है। नेक्स्ट आपको नेम यहाँ पर क्रिएट करना है तो प्लस पे जाना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। अब देखो आपको एडिट पे जाना है। जैसे ही आप एडिट पे जाओगे यहाँ पर आप लोगों को अपना नेम या फिर आप किसी जिसकी भी नेम से आप वीडियो बनाना चाहते हो वो वाला नाम आप लोगों को यहाँ पे टाइप करना है। तो एग्जांपल यहाँ पर मैं अपना टिप्सी ही लिख देता हूँ। तो आप यहाँ पर जरूरी नहीं है आप अपना ही नेम लिखो, आप तो क्रिएटर हो तो भाई आप किसी की भी नेम से बना लेना। अब देखो आपने यहाँ पे जो भी नाम लिखा होगा ना आपको उसका स्टाइल चेंज करना है। तो आपको जाना है फॉन्ट वाले सेक्शन में। जैसे ही आप फॉन्ट पे जाओगे अब आपको जाना है माय पॉइंट में। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पर एक फॉन्ट मैंने ऐड किया हुआ है जिसका नाम है गेट नाउ। तो यहाँ पर ये वाला जो फॉन्ट है ना टेलीग्राम चैनल पे साथ में वीडियो की कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में गेट नाउ नाम से आपको गूगल पे भी मिल जाता है। तो पिक्सल लैब के अंदर ऐड करने के बाद आप यहाँ पर ऐड कर लेना। अगर आपको पिक्सल लैब के अंदर ऐड करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, उसको देखकर आप एक बार में 100% ऐड करना सीख जाओगे। नेम को आपको बीच बीच सेंटर में करना है। एक चीज़ का खास करके ध्यान रखें, आपका जो टेक्स्ट का कलर है ना वो आपके बैकग्राउंड से मैचिंग होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर रेड कलर है तो यहाँ पर वाइट कलर मैचिंग कर रहा है। साथ में जो टेक्स्ट है ना आप उसमें स्टोरक वगैरह को इनेबल कर पाओगे। अब देखो आप लोगों को करना क्या है, इसमें कुछ स्टिकर लगाना है। तो यहाँ पर आपको प्लस पे जाना है, फॉर्म गैलरी पर जाना है। नेक्स्ट आपको मैं किंग वाले PNG दे दूंगा, 2 मैक्सिमम PNG दे दूंगा। अब देखो ये वाला जो PNG है ना शायद ही आपके ब्लैक के अलावा किसी बैकग्राउंड में मैचिंग करे, तो इसको तो आप यूज मत करना, मैं इसको दूंगा भी नहीं। मैं आप लोगों को ये वाला PNG दे दूंगा, साथ में इसके अलावा एक और रेड कलर का दे दूंगा। अब देखो आप इसको अपने नेम के जस्ट फर्स्ट वाला जो बर्ड होता है ना उसी के अकॉर्डिंग आप लगा देना। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया है। अब आपको नेक्स्ट यहाँ पर शेयर के आइकन पर क्लिक करना है, इसको पिंक क्वालिटी करना है, बाकी आप अल्ट्रा कर शेप टू गैलरी कर देना। अब देखो आपका नेम यहाँ पर पोस्टर में एक सेव हो चुका है। अब आपको अपना वीडियो बनाना है तो वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के पास एक एप्लीकेशन होना जरूरी है जिसका नाम है नोइज। नोइज एप्लीकेशन आप लोगों को प्ले स्टोर पर मिल जाता है। अब देखो जैसे ही आप अपने नोइज एप्लीकेशन को ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को जो मैं बताऊंगा ना सेम स्टेप्स फॉलो करना है। वैसे तो गाइस आप लोगों को जो हेलीकॉप्टर वाला टेम्पलेट है ना वो थोड़ा नीचे अगर आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है तो आपको सर्च में जाना है, देन आप लोगों को ओनली हेलीकॉप्टर लिखना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर हेलीकॉप्टर लिखोगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पे काफ़ी सारा टेम्पलेट आता है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे देखना है एक टेम्पलेट मिलेगा जिसका नाम है हेलीकॉप्टर पुलिंग फोटो। तो आप लोगों को यही वाला टेम्पलेट यूज करना है, तो सिंपल सी टेम्पलेट पे क्लिक करना है। अब देखो आपको थोड़ा नीचे देखना है, यहाँ पे मैक मिलेगा तो आप लोगों को मैक पे क्लिक करना है, मैंने ऑलरेडी क्लिक किया है। जैसे ही आप मैक पे क्लिक करोगे अगर आपके सामने कोई ऐड वगैरह आता है तो आपको ऐड को वॉच करना है। नेक्स्ट आपको रेप्लेस फोटो पे जाना है। जैसे ही आप प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे अब आपको यहाँ पर जो आपने नेम वाला पोस्टर बनाया था वो वाला पोस्टर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देन आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको क्रॉप करना है। उसके बाद आपको नीचे राइट वाला ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ पे क्लिक करना है। अब अगर आप इसमें ऑडियो वगैरह लगाना चाहते हो तो आपको रेप्लेस फोटो के जस्ट नीचे देखना है, रेप्लेस म्यूजिक मिलेगा तो वहाँ पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी ऑडियो वगैरह को सर्च कर लगा सकते हो। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारा ऑडियोस मिल जाता है, आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं तो यहाँ से नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को एक और प्रोसेस बता देता हूँ। आपको यहाँ पे हर पार्ट पे एक ऐड वगैरह देखने को मिल सकता है, तो आप ऐड को वॉच वगैरह कर लेना। अब देखो वीडियो को सेव करने से पहले आप लोगों को बॉर्डर मार्क पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर ऐड देख कर भी अपना बॉर्डर मार्क यहाँ पे हटा पाओगे, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। तो ये वाला प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेना। बाकी आप लोगों को करना क्या है, जैसे कि वीडियो सेव करना है तो आपको मैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपके सामने कोई ऐड वगैरह आता है तो आप वॉच कर लेना। अब देखो जैसे ही आप यहाँ पर वीडियो को सेव करोगे तो काफ़ी बार ऐसा होता है जो गैलरी में वीडियो है ना सेव नहीं होता है। अगर आपका भी वीडियो सेव नहीं होता है तो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे स्टोरी वाला ऑप्शन चूज़ करना है। अब देखो जैसे ही आप स्टोरी पर जाओगे ना आपका जो वीडियो है ना गैलरी में ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। जब भी आप अपने वीडियो को इंस्टाग्राम स्टोरी पर ले जाओगे वहाँ से आपको डाउनलोड नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आपकी गैलरी में आ जाता है। ये वाला प्रोसेस आप एक बार फॉलो कर देख लेना। अब देखो आप जो वीडियो सेव करोगे ना उसमें टेम्पलेट वाला ऑडियो रहेगा, तो आप चाहते हो ऑडियो को चेंज करना या फिर टेम्पलेट वाली ऑडियो को वॉल्यूम को ऑफ करना,
तो आप किसी भी एप्लीकेशन में जाके, जो भी आप लोगों के पास एप्लीकेशन है एडिटिंग एप्लीकेशन, उसमें जाके आप वॉल्यूम को ऑफ कर देना या फिर आप किसी दूसरा म्यूजिक यहाँ पे लगा लेना, वो वाला प्रोसेस आप लोगों को आता ही होगा। अगर आप किसी एडिटिंग एप्लीकेशन को यूज करते हो तो इतना तो आप लोगों को आता ही होगा कैसे वॉल्यूम को ऑफ करते हैं। अगर आप मेरी बात मानो तो आप लोगों को वॉल्यूम को ही ऑफ करना है, बाकी आप यूट्यूब इंस्टाग्राम से कोई ट्रेंडिंग ऑडियो यूज कर लेना। तो चलिए यही था एडिटिंग वाला प्रोसेस, अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में, आप भी जाओ एंड अपना ध्यान रखें, बाय।